अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, झारखंड एट ए ग्लैंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वेलकम टू द स्टेट ऑफ झारखंड। तो चलिए झारखंड के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये तो देखिए झारखंड का मैप ये हो गया, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, ये पूरा झारखंड का मैप हो गया। उसके बाद चलिए फिर आगे देखते हैं झारखंड के बारे में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऐसा है फ्रेंड, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्टली प्रीफर्ड डेस्टिनेशन फॉर द इंटरनेशनल टूरिस्ट्स। टूरिज्म इज ए वेरी प्रोमिसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया इज ए कंट्री विद ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स एंड अट्रैक्टिव द फीचर्स। इंडिया इज ए कंट्री नन फॉर इट्स द कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री एंड द नेचुरल रिसोर्सेस। ऑल द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरेटरीज हैव ए गुड नंबर ऑफ लोकेशंस कैटरिंग टू द डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल टूरिस्ट। उसके बाद फिर फ्रेंड स्टेट की बात करें, स्टेट प्रोफाइल की, तो स्टेट के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा बहुत। झारखंड इज वन ऑफ द 28th स्टेट ऑफ इंडिया, सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। द कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। द स्टेट ऑफ झारखंड स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। झारखंड इज बॉर्डर्ड बाई द बिहार इन द नॉर्थ, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इन द वेस्ट, उड़ीसा इन द साउथ एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। द मेजर सिटीज ऑफ झारखंड आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो एंड हजारीबाग। द प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड इज हिंदी। अदर सेकेंडरी लैंग्वेज स्पोकन हेयर ऑन द यूड़िया, उर्दू, नागपुरी, बंगाली एंड भोजपुरी, खोरठा। उसके बाद सादरी एंड द अंगिका, ये सब वहाँ की प्रमुख बोलियाँ भाषाएं होगी फ्रेंड। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं माउंटेन एंड फॉरेस्ट की। इन झारखंड ओवर 79,714 स्क्वायर किलोमीटर फील्ड इन विद द एवर लास्टिंग ग्रीन फॉरेस्ट विच प्रोवाइड्स ए ग्रेट आउटलुक ऑन नेचर्स ब्यूटी एंड द वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज, लेक्स एंड द वाटरफॉल्स। दिस स्टेट इज इनकैम्प्ड विद ए लॉट ऑफ हिल्स स्टेशन अराउंड द स्टार्टिंग फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। यू हैव द बिम्बियाबुरु कैनरी हिल, उसके बाद डारनी पहाड़, उसके बाद ध्वजाधारी हिल्स, उसके बाद दीमना माउंटेन, गोंडा हिल्स, घोटाछिला माउंटेन, उसके बाद गुलगुल हिल्स, उसके बाद हाथी पहाड़, खुल्लक हिल्स, उसके बाद कांसीवर माउंटेन, कोलेश्वरी माउंटेन, कोलुआ हिल्स, उसके बाद हो गया फ्रेंड मेकमारो हिल्स, मुरहू हिल्स, पंच पांडव पहाड़, उसके बाद हो गया प्रस्थान से हिल, पारसनाथ हिल्स, राजमहल हिल्स। उसके बाद हम लोग बात करें तो रक्सतो ग्रेनेट हिल्स, रांची हिल्स, स्राउथ माउंटेन, टाइगर हिल्स, ये सब वहाँ के हिल्स वगैरह की बात हो गया। माउंटेन एंड फॉरेस्ट की बात हो गया, हिल्स की बात हो गया। क्लाइमेट की बात करें तो देयर आर थ्री वेल डिफाइंड सेशन इन झारखंड। फ्रॉम नवंबर टू फरवरी इज द कोल्ड वेदर सेशन इन द मोस्ट प्लीजेंट पार्ट ऑफ द ईयर एंड द टेम्परेचर इज अबाउट 10 degrees Celsius टू 20 degrees Celsius। फ्रॉम मार्च टू मिड जून इन द हॉट वेदर सेशन, मई इज द हॉटेस्ट मंथ इन द करेक्टराइज बाय डेली हाई टेम्परेचर इन द अबाउट 37 degrees Celsius टू 20 degrees Celsius। मैक्सिमम रेनफॉल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर दैट रिकॉर्ड फॉर मोर देन 90% ऑफ टोटल रेनफॉल इन द स्टेट। उसमें शॉर्ट हिस्ट्री की बात करें, द इंडिजिनस पीपल ऑफ झारखंड रीजन फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। मैनी रिवॉल्ट टूक प्लेस फ्रॉम द 1771 टू 1908। द टू ब्रदर्स सिद्धू एंड कानू सेपरेटेड द संथाल रिविलियन इन 1855। द डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड कॉन्टिन्यूड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1948। डार कमीशन रिजेक्टेड द प्लिया फॉर द सेपरेट झारखंड वन द लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स। उसके बाद फिर इन अगस्त 1989 यूनियन होम मिनिस्ट्री फॉर्म्ड ए कमेटी टू लुक एट झारखंड मैटर्स। इन द 1995 झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल वाज सेप्ट ऑफ द फाइनली ऑन द 15th November 2000 झारखंड बिकम द 28th स्टेट ऑफ इंडिया विद द 24 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद स्टेट इज नन फॉर वाट, झारखंड इज फेमस फॉर इट्स वास्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेस एंड वेराइटी ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, ओरे, कोल, कॉपर,
मिका बॉक्साइट, ग्रेफाइट, लाइम स्टोन एंड यूरेनियम, ये सब के लिए फेमस है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, द स्टेट इज वेल कनेक्टेड विथ अदर पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स रोड नेटवर्क। उसके बाद एयरवेज की बात करें, देर आर फोर एयरपोर्ट इन झारखंड, नेमली द बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, चाकुलिया एयरपोर्ट, नावाडी एयरफील्ड एंड द सोनारी एयरपोर्ट। एमंग देम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लोकेटेड इन रांची एंड द सोनारी एयरपोर्ट इज जमशेदपुर आर द डोमेस्टिक एयरपोर्ट दैट सर्विस दैट सर्व पीपल द डेकन एविएशन नॉर्थ ईस्ट शटल्स एयर इंडिया गो एयर एंड जेट एयरवेज द ऑपरेट द फ्लाइट फ्रॉम ईयर। उसके बाद रेलवे की बात करें तो हटिया स्टेशन, रांची जंक्शन, मुरी जंक्शन, मधुपुर जंक्शन एंड जसीडीह जंक्शन आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट रेलवे स्टेशन इन झारखंड, दे कैम अंडर द साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। उसके बाद रोडवेज की बात करें हम लोग तो द नेशनल हाईवेज NH 100, NH 2, NH 23, NH 31, NH 32, NH 33, NH 78, NH 80, NH 75, NH 6, NH 98 एंड NH 99 पास थ्रू द झारखंड, हेंस द स्टेट इज वेल द कनेक्टेड विद अदर पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स द रोड नेटवर्क। और हम लोग टाइम जोन की बात करें, करेंसी एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो थ्रू आउट द इंडिया द टाइम जोन इज सेम ऑफ ऑल द स्टेट आई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्लस 5:30। उसके बाद द इंडियन रुपी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द इश्यूएंस ऑफ द करेंसी इन द कंट्रोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द इंडियन रुपी सिंबल। तो सिंबल आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, इंडियन रुपी में सिंबल ये रहता है, सभी को पता होगा, INR इन द ड्राइव्ड फ्रॉम द देवनागरी, द फर्स्ट सीरीज ऑफ द क्वाइंस विथ दिस न्यू रुपी सिंबल वाज लॉन्च्ड ऑन द 8 July 2011। द मॉडर्न रुपीज इज सब डिवाइडेड इंटू द 100 पैसे थ्रू दिस डिविजन इज नाउ द थ्योरिटिकल एज ऑफ द 13 June 2011। क्वाइन डेमोनिटाइजेशन ऑफ लेस देन 50 पैसे केस्ड टू बी लीगल टेंडर बैंक नॉट एयर अवेलेबल इन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 5, 10, 20, 50, 100, 500 and 2000 rupees। क्वाइंस ऑफ द रुपी आर द अवेलेबल इन 1, 2, 5 and 10 पैसे। क्वाइंस ऑफ द रुपी हैव द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 एंड लोअर डिमोनिटाइजेशन हैव बीन द ऑफिशियली विदड्रॉन। उसके बाद देयर 24 डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, दे आर रांची, लोहरदगा, गुमला, पलामू, लातेहार, गढ़वा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर, खूंटी एंड रामगढ़। ये हो गए फ्रेंड 24 डिस्ट्रिक्ट। तो ये कैपिटल सिटी हो गया रांची, उसके बाद लोहरदगा, गुमला, पलामू, लातेहार, गढ़वा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो एंड खूंटी रामगढ़। ये सब हो गया फ्रेंड वहाँ का डिस्ट्रिक्ट झारखंड के। हिस्टोरिकल मोमेंट्स की बात करें तो आर्किटेक्चरली तो ये सब देखेंगे, द हिस्टोरिकल माउंटेन्स इन झारखंड है रिच हिस्ट्री, ए नंबर ऑफ दिज माउंटेन्स आर द रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, माउंटेन्स आर द belongs to the Hindu and Buddhist and Muslim dynasties. Some of the main mountains are War Cemetery, Kuleshwari Devi Temple, Maithon Dam and the Tilaiya Dam. War Cemetery is the smallest concentration cemetery in India with a total of 708 burials located on the Ranchi Hazaribagh Road. It's the include a soldier of the Army of India. The graves are well the classified and the deserve attention for some of the poignant the epitaphs likes may some the gentle and hand in the far off laid down of flower for us. Uske baad the mountain Maithon Dam ki baat kare to the Maithon Dam is located 48 km from Dhanbad, is 15,712 feet long and the 165 feet high. This dam is specially designed for the flood control generates 60,000 watt of electricity. The unique feature of the Maithon Dam is and the underground power station, first of its kind in the kind in all of Southeast Asia. The dam is the constructed on the Brakar River. Uske baad fir
कुलेश्वरी देवी टेम्पल ऑन द बसंत पंचमी एंड रामनवमी डेज ए लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम फ्लॉक टू द हिल टॉप फॉर द वर्शिप सेक्रीफाइज ऑफ गॉड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल इज कॉमन द टेम्पल्स एंड इमेजेस आर नाउ ए प्लेस ऑफ द पिलग्रिमेज फॉर द हिंदूज द टेम्पल वॉज बिल्ट बाय द जैन्स विद द रिस्पेक्ट द रिस्पेक्ट द बर्थ प्लेस ऑफ द तीर्थ 10th तीर्थकार शीतला स्वामी एंड द रिगमेंटेड इट अबाउट 150 ईयर एगो। उसके बाद फिर बात करें हम लोग तो भद्रकाली टेम्पल, भद्रकाली टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द महानाद रिवर इन नियर द इटकोहरी इन द चतरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड। द डाइटीज ऑफ हिंदू जैन एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटी कैन बी फाउंड हियर। द इमेज ऑफ द बुद्धा इज प्रेजेंटेड इन द ब्लैक स्टोन। हिंदू डिवोटीज फ्लॉक हियर टू वर्शिप द गॉडेज काली एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ए पेयर ऑफ द फुटप्रिंट कैन बी सीन विच इज द एसोसिएटेड विद द शीतलनाथ द 10th तीर्थकार ऑफ जैनिज्म। मालीनाथ द 19th तीर्थकार एंड द पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थकार सराउंडेड बाय द डेंस फॉरेस्ट द टेम्पल्स एडजॉइनिंग एरियाज एंड are important historically as well as culturally. The temple is connected with the GT road and is about 35 km east of the Chatra and 16 km west of the Champaran. उसके बाद रांची म्यूजियम की बात करें तो the रांची म्यूजियम has a wide range that the exhibits the collections of the artifacts and the provides a comprehensive picture of the people's lifestyle and the social structure. हिल स्टेशन की बात करें तो मोस्ट फेमस हिल स्टेशन ऑफ द झारखंड यार टाइगर हिल्स, रांची हिल्स, गोंडा हिल्स, तो ये सब फेमस हिल स्टेशन हो गया। टाइगर हिल्स की बात करें तो टाइगर हिल्स इज ऑल्सो नन एज द मोराबादी हिल्स इज ए 300 feet अल्टीट्यूड हिल्स लोकेटेड इन द ब्यूटीफुल हेवन ऑफ द एल्बर्ट एक्का चौक इन रांची एंड इज नेम्ड आफ्टर द वर्ल्ड फेमस पोएट नॉवेल लिटरेचर रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद रांची हिल्स की बात करें तो रांची हिल्स इज वन ऑफ द फेवरेट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन रांची एट द समिट ऑफ द रांची हिल देयर इज ए टेम्पल डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। द प्लेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू द बी वन ऑफ द प्राइम लोकेशन फॉर द ट्रैकिंग एंड द रॉक क्लाइंबिंग फॉर दिस रीजन में एडवेंचर लवर्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू द रांची हिल्स। लोकल पीपल ऑल्सो यूज द प्लेस एज ए पिकनिक स्पॉट। उसमें गोंडा हिल्स की बात करें तो द गोंडा हिल्स इज सिचुएटेड 9 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रांची। ये वाटर रिजर्वियर इज एट द टॉप ऑफ द हिल। कांके लेक एंड डैम इज एट द बॉटम ऑफ द हिल एंड ए रॉक गार्डन कर्व्ड आउट ऑफ द रॉक इज एन द आइडियल प्लेस फॉर ए पिकनिक। द रॉक गार्डन हैज द स्टेटस मेड ऑफ द ग्रेनाइट वाटरफॉल्स एंड ए स्विमिंग मेड ऑफ आयरन बार विच हैज ओनली 2 poles। द गार्डन इज सिमिलर टू द रॉक गार्डन ऑफ जयपुर। उसके जू पार्क जंगल और गार्डन की बात करें तो भगवान बिरसा जू इन झारखंड और मांझी टाउन द लॉन्च डी अडॉप्ट एंड द एनिमल प्रोग्राम टू इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ एनिमल्स लवर्स इन द अपकीप ऑफ द जू inmates. As per the program, any citizen, family, institute or a corporate organization can adopt a zoo animal for a day, a month, 3 months, a year, 3 years or 5 years by bearing the cost of the animals, food and the routine care. Uske baad Birsa Munda Jaivik Udyan Garden is a zoological garden situated about 60 km from Ranchi on the Ranchi Patna highway near the और मांझी रेयर फ्लोरा कैन बी द स्पॉटेड हियर। उसके बाद डियर पार्क की बात करें तो ये फास्ट इमर्जिंग एंड आई कैचिंग टूरिस्ट स्पॉट द डियर पार्क इन रांची इनक्लोजेस 100 ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ द डियर बिगनिंग विद द 15 डियर। द पार्क हैज ग्राउंड इन द नंबर ऑफ डियर एंड ऑल्सो इन द नंबर ऑफ विजिटर्स। The park is a natural habit to the deer. The park is placed a picture square the surroundings with the beautiful gardens well laid the
पथवे एंड द प्लेइंग पार्क फॉर द चिल्ड्रन द मेन अट्रैक्शन है हियर इज द पार्क द सफारी एंड द फैसिलिटीज अरेंज फॉर द विजिटर्स आर वेरी गुड। उसके बाद सिटी पार्क की बात करें तो बोकारो हैज ए सिटी पार्क विथ एंड आर्टिफिशियल लेक। उसके रिसेंटली 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैव ऑल्सो बीन एडेड दिस आइलैंड वेयर द डिजाइन इन द जेपेनीज स्टाइल। उसके बाद फिर बात करें तो जुबली पार्क दिस पार्क वाज ए गिफ्ट बाय द टाटा स्टील टू द सिटीजन्स ऑफ जमशेदपुर वन द कंप्लीशन ऑफ इट्स 15 ईयर। इट वाज द इनोग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1956। दिस 25 acres 0.91 किलोमीटर स्क्वायर पार्क हैज ए स्पाइरल रोज गार्डन एंड ए लेक। इट हैज एन एवेन्यू ऑफ स्पेशली ट्रिम्ड द अशोक ट्रीज एंड द फॉर्चुनेट्स एंड द वाटर कैस्केड्स विद द रन ड्यूरिंग द नाइट। उसके बाद वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क की बात करें तो झारखंड वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द स्टेट ऑफ द झारखंड। दीज आर 3 मेजर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी एट द झारखंड इन इंडिया। दीज आर द हजारीबाग नेशनल पार्क द बेतला नेशनल पार्क एंड द जैविक उद्यान। तो द हजारीबाग नेशनल पार्क एंड द वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ हजारीबाग। द हजारीबाग नेशनल पार्क वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ द झारखंड हैज एन एरिया ऑफ 184 स्क्वायर किलोमीटर। द नेशनल पार्क हाउसेस ए वेराइटी ऑफ द वेजिटेशन इंक्लूडिंग द ग्रासलैंड्स एंड द ट्रॉपिकल वेजिटेशन। द हजारीबाग नेशनल पार्क हैज ए वाइड रेंज ऑफ द कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। सम ऑफ देम आर द सांबर मिल्गी पेंथर वर्ल्ड बोर एंड स्लोथ बोर चीतल एंड टाइगर। तो ये सब हो गया। उसमें दूसरा है द बेतला नेशनल पार्क एंड द वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। बेतला नेशनल पार्क एंड वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डाल्टनगंज एंड द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट द वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी इन झारखंड इज एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पलामू सेंचुरी। दिस वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हैज ए टोटल एरिया ऑफ 232 स्क्वायर किलोमीटर। द बेतला नेशनल पार्क इज द झारखंड ऑफर्स द टूरिस्ट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड लाइफ। सम मेजर एनिमल्स ऑफ दिस सेंचुरी आर द पेंथर्स सांबर्स ल्यूपार्ड्स एलिफेंट्स मंकीज जेकल्स चिताज वर्ल्ड बोर्स टाइगर्स स्मॉल इंडियन सिबेट्स। तो ये सब उसके बाद हो गया। फिर फ्रेंड द जैविक उद्यान इज वन ऑफ द झारखंड वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी इज वेल नोन फॉर इट्स द रेंज ऑफ द प्लांट लाइफ एंड द एनिमल लाइफ दैट इज द सो केसेस। इट इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ ओनली 16 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी रांची। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट आर द फाउंड इन दिस वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ झारखंड हैव मेड इट वन ऑफ द पॉपुलर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ झारखंड। उसके बाद प्लेस फोर्ट और म्यूजियम की बात करें तो द फेमस प्लेस फोर्ट इन झारखंड म्यूजियम आर बोकारो स्टील सिटी पलामू फोर्ट रांची म्यूजियम। ये सब हो गया। बोकारो स्टील सिटी की बात करें तो सिटी विथ द लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन इंडिया बट ऑल्सो होम टू द मैनी ब्यूटिफुल टेम्पल्स सराउंडेड बाई द पारसनाथ हिल्स विद द लार्जेस्ट रीजन्स जियोलॉजिकल गार्डन जवाहरलाल नेहरू। पलामू फोर्ट इज लोकेटेड डीप इन द फॉरेस्ट ऑफ द औरंगाबाद वन शेरशाह सूरी पथ नियर द डाल्टनगंज। द फोर्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द बनवासी किंग ऑफ द चेरू डायनेस्टी। इज हैड द डिफेंस इन 3 डायरेक्शंस एंड 3 मेन गेट्स। द आर्किटेक्चर इज वेरी हाई इस्लामिक विद द बेस्पीक ऑफ दाऊद खान कॉन्क्विस्ट। उसके बाद रांची म्यूजियम की बात करें तो रांची म्यूजियम इज सिचुएटेड एट द ट्रिबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल्डिंग एट द मोहराबाद। इट वाज द ओपन्ड फॉर द पब्लिक इन द ईयर 1974। द म्यूजियम हाउसेज द पेस्ट्रिक द इम्प्लीमेंट स्टोन स्कल्पचर बट उसके बाद टेरिकोटा ये सब एंड द आर्म्स। द म्यूजियम ऑल्सो द शोकेसेस द कल्चर एंड 5 लिविंग ऑफ द ट्रिबल पीपल ऑफ बिहार। उसके बाद टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो स्टेट इज मोस्टली कवर्ड बाय द फॉरेस्ट वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज मिनरल्स एंड द
industry, the most famous tourist are Sun Temple. The Sun Temple is a distance of about 39 km from Ranchi on the Tata Road and near Bundu. The Elephant Sun Temple is the fashioned in the form of the huge chariot with the richly decorated 18 wells and seven live horses ready to take off. A pond is located within the temple premises, the serving as a scripted the place of the Chhath Vartij. उसके बाद दासम फॉल्स हो गया. दासम फॉल्स यार ऑल्सो नन आई दासमगढ़. दासम फॉल्स यार अबाउट 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रांची टू वन टाटा रोड. द कांची रिवर फॉल्स फ्रॉम द हाइएस्ट ऑफ अबाउट 144 फीट एट द दासम फॉल्स. उसके बाद हो गया हुंड्रू फॉल्स इज अबाउट 28 किलोमीटर अवे फ्रॉम रांची टाउन. द स्वर्ण रेखा रिवर फॉल्स फ्रॉम द हाइएस्ट ऑफ 320 फीट. उसके बाद जोना फॉल्स अबाउट 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रांची. देयर इज ऑल्सो ए टूरिस्ट रेस्ट हाउसेस विच है लॉर्ड द गौतम बुद्धाइज टेम्पल विद इन इट्स द प्रीमिसेस. द टूरिस्ट कैन गो अप टू द गौतम दत्रा स्टेशन बाय द ट्रेन ऑल्सो. टेम्पल और चर्चेस मॉस्क्यू जैन की ये सब की बात करें. द स्टेट ऑफ झारखंड इज फेमस फॉर द ब्यूटीफुल मॉस्क्यू. द मोस्ट फेमस मॉस्क्यू इन द झारखंड इज जामी मस्जिद. उसमें जामी मस्जिद की बात करें तो जाम्स मस्जिद सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर द गंगा. जाम्स मस्जिद इज ए हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट मॉस्क्यू. इट वाज द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड व्हेन द राजा मान सिंह जनरल ऑफ द एम्पायर अकबर मेड द राजमहल द कैपिटल ऑफ द बंगाल इन 1592. इवन द टूडे रिलायसेस ऑफ द वर्ल्ड एंड द प्रोस्पेरियस राजा महल आर द विजिबल इन दिस वन टाइम द कैपिटल ऑफ बंगाल. उसके बाद शॉपिंग की बात करें, शॉपिंग हैंडीक्राफ्ट मॉल्स वगैरह की बात करें तो झारखंड हैव एन द एक्सपर्ट हैंड फॉर द रिपेयरिंग द डेलीकेट द ब्यूटीफुल एंड द एलिजेंट हैंडीक्राफ्ट. द हैंडीक्राफ्ट ऑफ झारखंड मेड बाई इट्स द ट्रिबल पॉपुलेशन कैन बी प्रेजेंट ए ग्लोर ऑफ द मोमेंट टू द टूरिस्ट. द स्टेट हैज ए रिच ट्रेडिशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. द वेल नोन फॉर द पत्रकार पेंटिंग्स एंड द स्टोन कार्विंग्स हैव बिकम ए ऑलमोस्ट द एक्सटेंट एंड द झारखंड ड्यू टू द लैक ऑफ स्टेट. उसके बाद पेट्रोजन एंड द इंडिक्वेट द कॉन्वर्सेशन एंड द प्रमोशन ऑफ द दिज यूनिक स्किल्स. उसके बाद द डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट इन झारखंड इंक्लूड द फॉलोइंग. द क्राफ्ट आइटम्स कर्व्ड आउट ऑफ वुड. उसके बाद स्टोन कार्विंग्स हो गया, ये सब हो गया. फ्रेंड बम्बू वर्क्स ये सब होता है वहाँ पे. फेस्टिवल एंड डांस म्यूजिक की बात करें तो फेस्टिवल सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड यार होली दिवाली दशहरा एंड रामनवमी. अदर फेस्टिवल्स लाइक द बसंत पंचमी छठ जितिया भैया दूज ईद उल फितर बकरीद मुहर्रम सबे बारात. स्पेसिफिक फेस्टिवल्स ऑफ द ट्राइब्स यार द कर्मा मांडा सरहुल जानी शिखर इडीसी. कुंडा मेला इन द प्रतापपुर. दिस मेला इज हेल्ड इन द टाइम ऑफ द फाल्गुन शिवरात्रि एंड इज मार्क्ड बाई ए बिग सेल ऑफ कैटल. उसमें कोलहुआ मेला इन हंटरगंज. इट इज एन द एंशियंट फेयर हेल्ड द ट्वीस इन ईयर ड्यूरिंग द माघ बसंत पंचमी एंड द चैत रामनवमी रिस्पेक्टली. देयर आर ब्यूटीफुल लेक एंड द एंशियंट टेम्पल ऑफ द गॉडेज काली ऑन द टॉप ऑफ द हिल. इट्स ओरिजिन इट इज नॉट नन इट इज ओनली ए रिलीजियस फेयर. उसके बाद फिर बात करें हम लोग तो चैत्र मेला की तो दिस मेला इज सेड टू हैव द स्टार्टेड फ्रॉम 1882 एंड द प्रिंसिपली ए कैटल फेयर हेल्ड द ड्यूरिंग दुर्गा पूजा. उसके बाद कुंडरी मेला इन चैत्र. कुंडरी मेला हो गया फ्रेंड. उसके बाद कोलहैया मेला इन चैत्र हो गया. ये सब के डांस की बात करें द ट्राइब दैट परफॉर्म्स द फोक डांस ऑफ झारखंड इज द कुंजबंस. दे आर द मेन परफॉर्म्स फोक डांस ऑल अक्रॉस द स्टेट. मोस्ट ऑफ फोक डांस
अराउंड झारखंड इज accompanied by the tribunal music played by the musicians using some traditional musical equipments. Some of the very famous Jharkhand dances are as follows: the Bheja dance, ये सब हो गया, जामुनी झूमर डांस हो गया, मर्दना झूमर डांस हो गया, फगुआ डांस हो गया, तो ये सब हो गया। एजुकेशनल हब की बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल हब ऑफ झारखंड आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, रांची सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी एंड विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ये सब हो गया। हॉस्टल वगैरह की बात करते हैं, होटल्स इन झारखंड ऑफर ये वाइड रेंज ऑफ द च्वाइस ऑफ द एकोमोडिएशन, ये वेराइटी ऑफ होटल्स आर द लोकेटेड इन एनी टूरिस्ट द डेस्टिनेशंस विद इन द स्टेट, बी इट फाइव स्टार डिलक्सेस कैटेगरी होटल्स ऑफ। ये सब हो गया। फूड हैबिट्स की बात करें तो एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज इट्स द वन स्पेशली इज जनरल फूड, द फूड इन द झारखंड इज द कंसिडर्ड टू बी वेरी लाइट ऑन द स्टमक एंड द इजली टू डाइजेस्ट, दिस फैट कैन वेरी वेल इज द डेमोस्ट्रेटेड बाई द नेचर ऑफ झारखंड फूड हैबिट्स दैट हैव बीन द इम्बाइब्ड बाई द नेटिव फ्लॉक्स, द लिट्टी एंड चोखा ऑल्सो फ्रॉम एंड द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन ऑफ झारखंड फूड। ये सब हो गया। एंड स्टेपल फूड की बात करें तो दाल भात एंड तरकारी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रेगुलर झारखंड मील, दिस कॉन्सिस्ट। ये सब हो गया। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द सेपरेट फूड ऑफ झारखंड। तो ये पूरा सीरीज हो गया फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी रही है, तो फिर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा।